हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल द यंग साइंटिस्ट्स। दिव्या देखिए, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीनियर। तो इससे आज हम सबसे पहले बनाएंगे एक फैन। ये देखिए, ये यहाँ पे एक फैन है और इसमें हम स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें स्विच ऐसी नहीं रहेगी, स्विच ये वाली स्विच रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मोटर है और इस मोटर को इस पंखे के नीचे से ऐसे जोड़ देना है। देखिए ये जुड़ गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है वायरिंग वाला। तो दोस्तों, आप वायरिंग अब किसी एडल्ट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार आपके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बी केयरफुल ऑफ देम। सो लेट अस स्टार्ट विद द वायरिंग वर्क। सबसे पहले आप मोटर लीजिएगा और वायर्स लीजिएगा। वायर यहाँ पे मैंने बड़े बड़े लिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेट में बड़े बड़े वायर्स आए हैं। सो अब गाइस क्या करना है, इसको इसके अंदर से, ये छेद दिख रहा है आपको, इसके अंदर से ऐसे घुसा देना है। ठीक है, ये नंबर वन हो गया। रिपीट द सेम प्रोसेस, दूसरा वायर लेके यहाँ से भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए गाइस, ये दोनों तरफ से वायर जुड़ गए हैं। अब जो ये लास्ट वायर बचे हैं, हमें क्या करना है, मोटर के एक तरफ का वायर लेना है, कोई भी साइड का वायर ले सकते हैं आप। इस वायर को इस स्विच में, ये देखिए गाइस, ये स्विच है, इसके अंदर से भी घुसाना है, लेकिन एक वायर को एक ही तरफ से घुसा के ऐसे ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, फिर एक जो दूसरा वायर है ना, उसको लेना है, मतलब ये वायर देखिए गाइस, ये वायर किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है, ये वायर फुल है। तो फिर हम इसे, ये वायर जो किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ा है, एकदम खुला वायर है, इसे हम इस स्विच के दूसरी तरफ से जोड़ देंगे। देखिए ये हो चुका है, दूसरी तरफ से जुड़ चुका है। फिर हमें क्या करना है कि, अब देखिए इस मोटर को अपन ऐसे तो पकड़ नहीं सकते, तो इसे फिर इसके स्टैंड में ऐसे लगा देना है, और ये बैटरी। तो गाइस देखिए, ये है हमारा स्विच। तो इस स्विच के जो दो लंबे लंबे वायर्स हैं, उनमें से एक वायर जाना चाहिए आपके मोटर पे और दो, एक वायर खुले रहना चाहिए। तो गाइस एक मोटर का खुला वायर। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा पंखा चल चुका है अब, और मोटर की आवाज़ भी आ रही है।